सागर में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर डायबिटीज के रोगियों के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में रविन्द्रनाथ टैगोर मेमोरियल ट्रस्ट के सभागार में एक दिवसीय निशुल्क डायबिटीज परीक्षण का शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर के माध्यम से IMA से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सकों एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अपनी सेवा देते हुए इस शिविर के माध्यम से जहां डायबिटीज की जांच हुई तो वहीं इस रोग के कारण होने वाले खतरे वाली अन्य बीमारी जैसे आंखों की जलन, गुर्दे की जांच, हार्ट की जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ECG की भी जांच हुई और डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में बनी भ्रांतियों को दूर कर आने वाले मरीजों को उचित मार्गदर्शन देते हुए कैसे हम अपनी दिनचर्या में खान पान सहित अन्य बातों का ध्यान रखना है जिससे बहुत हद तक इस रोग से ग्रस्त होने से बचा जा सके, इसके बारे में भी बताया। आयोजित शिविर में तकरीबन 200 एकड़ से अधिक मरीजों ने पंजीयन करा निशुल्क परामर्श, उपचार एवं दवाइयां प्राप्त की। लगाया गया है ये, इसका क्या उद्देश्य और किस कारणवश लगाया गया है? आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है और वर्ल्ड डायबिटीज डे पर हम लोगों ने जितने भी जो फिजिशियंस हैं उन्होंने यहाँ पर डायबिटीज के मरीजों के लिए एक कैंप लगाया हुआ है और लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड शुगर की जांच करने के बाद इलाज करना चाहिए अकेला, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने डायबिटीज़ से होने वाली जो परेशानियाँ हैं जैसे आँखों में खराबी होती है, डायबिटीज़ से अंधापन आता है, डायबिटीज़ से कैटरेक्ट होते हैं, डायबिटीज़ से मोतियाबिंद होता है, तो डायबिटीज़ से हार्ट अटैक होता है, डायबिटीज़ से गुर्दे में खराबी होती है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जो डायबिटीज़ से होने वाले खतरे हैं तो उन खतरों की जांच की है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम डायबिटीज़ के मरीजों को खतरे से बचाएं। हमने इस कैंप के माध्यम से लगभग 120-125 लोगों का की सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिला। हमारे पूरे फिजिशियन फोरम हमारे साथ में रही और साथ ही साथ में जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की टीम, डॉक्टर प्रवीण खरे और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर अशोक श्री, डॉक्टर अमनदीप चावला, इन लोगों ने आँखों के परीक्षण किए और हमारे जो पैथोलॉजिस्ट मित्र हैं डॉक्टर रावत हैं, डॉक्टर गंगवानी हैं, डॉक्टर ईशान दुबे हैं, इन्होंने गुर्दे की जांच की और हार्ट की जांच भी हम लोगों ने की है। लगभग 3-4 मशीनों से कभी 70 लोगों की ECG की जांच की गई और हम अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, बट हमें काफ़ी लोगों में डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड मिली है और डायबिटीज़ से होने वाले खतरे भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। इस हम डायबिटीज़ डे पर लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि डायबिटीज़ को संतुलित रखें, क्योंकि अगर डायबिटीज़ को आप संतुलित नहीं रखेंगे तो डायबिटीज़ से होने वाले खतरे बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो डायबिटीज़ से के खतरों से अगर बचना है तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है और इस दिन हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, आप अपने डॉक्टरों से मिलते रहिए। लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करें, खान पान व्यवस्थित रखें, अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लें, दवाइयों को अपने मन से कम बढ़ ना करें और कोशिश करें कि डायबिटीज़ को नियंत्रित रखते हुए उनके कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। धन्यवाद।